एक्सरसाइज 9.8, अकबर वॉज फेमस एम्परर हु वॉज द थर्ड रूलर ऑफ द मुगल डायनेस्टी इन इंडिया. बिल्ड हिज टाइम लाइन यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन. ओके, अब अकबर का नाम तो आपने सुना होगा, है ना? वो एक फेमस एम्परर था ना, सम्राट था ना. तो उसके बारे में जो जो उसने किया है लाइफ में, तो उसका ईयर वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है. अब इसको हमको स्टार्टिंग से इसको इसकी लाइफ लाइन, जो इसकी टाइम लाइन थी अकबर की, उसको हमें नीचे जो इन्होंने क्लू दिए हैं इसके हिसाब से पहले क्या हुआ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से नीचे जो टाइम लाइन दी हुई ना, इसमें हमको इसको एडजस्ट करना है, इसको बिल्ड करना है. ओके, सो चलिए देखते हैं सबसे पहला ईयर कौन सा है. इट मीन्स कि इस ईयर में आपको सबसे छोटा, जैसे आप लिखते हैं ना असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा कि सबसे छोटा कौन सा है पहले वो आ जाएगा, इसके बाद उससे बड़ा कौन सा है वो ईयर ले लीजिए, है ना? क्योंकि इसी तरीके से हमारी लाइफ आगे बढ़ती है ना, तो पहले जो सबसे छोटा है वो आ जाएगा. तो इसमें देखते हैं सबसे छोटा कौन सा नंबर है. इट मींस कि सबसे सबसे पहले अकबर वाज बॉर्न आएगा, है ना, 1542. अंडरस्टूड? सो सबसे पहले वाले फील्ड पे हम लिख देते हैं 1542. अंडरस्टूड? आफ्टर दैट 1542 के बाद जो ईयर आ रहा है वो है यहाँ पर 1556. ओके, 1556, ये राइट. सो अकबर बिकम्स एम्परर. ओके, तो 1556 में अकबर एम्परर बना था. ओके, तो सेकेंड नंबर पे आ जाएगा 1556. सो अब हमने लिख लिया यहाँ पर सेकेंड नंबर पे 1556. आफ्टर दैट 1556 के बाद कौन सा ईयर आ रहा है यहाँ पे? 1556 के बाद है 1562, अकबर मैरिड जो जोधा. ओके, तो ये आ जाएगा यहाँ पर. तो हमने यहाँ पे लिख लिया 1562. आफ्टर दैट अब इसके बाद कौन सा है? 1562 के बाद यहाँ पर 1569 है, अकबर सन जहांगीर बॉर्न. ओके, सो यहाँ पर लिख लेंगे हम 1569. अंडरस्टूड? इसके बाद आ जाएगा कौन सा ईयर बच रहा है अब यहाँ पे, 1601. ओके, 1601. तो इसमें हुआ बुलंद दरवाज़ा बिल्ट बना था. ओके, बुलंद दरवाज़ा बना था इसमें. ओके, 1601 में, मतलब कि 1601 ईस्वी में, तो ये बन गया था बुलंद दरवाज़ा. सो ये आ जाएगा इसके बाद 1605, इसमें अकबर डायड. ओके, ये एंड था उनकी लाइफ का. तो इस लाइफ लाइन में भी, इस टाइम लाइन में भी सबसे लास्ट में ही आ जाएगा कि इन 1605 अकबर डाइड. ओके, सो ये लिख लेंगे हम यहाँ पे. अंडरस्टूड? जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, तो आपका सबसे पहले जो भी डाउट है, जो भी है, सबसे पहले आप सबसे छोटा जो भी नंबर्स या ईयर दिए हुए हैं, आप उनको असेंडिंग ऑर्डर में जमा लेंगे कि सबसे पहले. अब जैसे हमारी लाइफ होती है, पहले जो साल, जैसे आज अगर अभी चल रहा है 2020, तो नेक्स्ट ईयर में जब आप, अभी मान लीजिए कि आप हैं, अभी आप फोर्थ क्लास में हैं, फोर्थ क्लास में हैं, तो 2020 में, अब 2021 में आप, आफ्टर दिस सेशन आप दूसरी क्लास में जाएंगे, है ना? तो वो ईयर बदल गया. इस तरीके से भी हमारा जो लाइफ लाइन या हमारी टाइम लाइन जो चलती है, आगे बढ़ती रहती है, राइट? तो हम अगर इनको ईयर वाइज जमाएंगे तो ईजी पड़ेगा. सेम वही है कि यहाँ पर भी आपको इजीली ये जो ईयर दिए हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में आपको जमा लेना. अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में जमा लेते हैं, तो ये आपको ये वाले इस टाइप के क्वेश्चंस करने में बहुत आसानी रहेगी और वो एकदम करेक्ट होंगे. अंडरस्टूड? बिल्कुल, इस तरीके से आप भी इसको जमा लेंगे और इसको अपनी कॉपी में भी इस तरीके से लाइफ लाइन बॉक्सेस एंड इन बिलो यू कैन राइट द नरेशन ऑफ दिस, लाइक अकबर मैरिड जोधा एंड अकबर वाज बॉर्न. इस तरीके से ये जो लिखा हुआ है, ये नरेशन भी आपको इसमें नीचे लिख लेना है. अंडरस्टूड? इसके बाद है आपका, यहाँ पर आपका ये चैप्टर क्लोज हो गया. एंड आफ्टर दैट देयर इज रिवाइज. ओके, सो इन दिस चैप्टर द रिविजन इज दैट दे आर गिविंग यू सम 7 क्वेश्चन. ओके, एंड दे आर सो इजी बिकॉज यू हैव लर्न इट द ट्रिक ऑफ द मैथड ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, आपको मैथड आ गया है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का, सो यू कैन डू इट ईजीली. सो दिस इज योर होमवर्क फॉर टूडे. ओके, तो होमवर्क है, आपको ये प्रैक्टिस करनी है रफ कॉपी में, इसको फेयर कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, सो यू कैन डू इट इन योर रफ कॉपी एंड ट्राई टू डू द करेक्ट. ओके, सो दिस इज़ योर होमवर्क स्टूडेंट्स, सो डू इट.